पंडित प्रदीप मिश्रा ने माफी मांगी है। राधा रानी पर दिया विवादित बयान, जिस पर साधु संतों ने अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी, नाराजगी दिखाई थी। बीते कई दिनों से इस पूरे मामले पर घिरे हुए थे पंडित प्रदीप मिश्रा, और अब देखिए आखिरकार उन्होंने माफी मांग ली है। इससे पहले भी माफी मांगी थी पंडित प्रदीप मिश्रा ने, लेकिन फिर भी लोगों की नाराजगी कम ही नहीं हो रही थी। 14 साल पुराना वो कथा का वीडियो जो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ, जिस पर लोगों ने ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और देश के तमाम राज्यों में अपना आक्रोश दिखाया। जगह जगह पर आपने देखा कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ नारेबाजी शुरू होगी, और अब आखिरकार अयोध्या पहुंचकर माफी मांगी है कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने। विवादित बयान पर, राधा रानी पर जो विवादित टिप्पणी दी थी, बरसाना पहुंचकर माफी मांगी है कथावाचक। क्योंकि आपको बता देते हैं, बरसाना में कथावाचक प्रदीप मिश्रा के आने पर बैन लगाने की मांग की जा रही थी, और अब इसी बीच देखिए माफी मांग ली है। साधु संतों के बीच में सबसे बड़ी नाराजगी थी, और सबसे बड़ा विवाद तो देखा गया था प्रेमानंद, महाराज प्रेमानंद ने जब अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी कथावाचक प्रदीप मिश्रा के उस विवादित वीडियो के वायरल होने के बाद। नितिन गौतम और जानकारी के साथ ऑनलाइन पर इस समय मौजूद है। नितिन गौतम, क्या कुछ इस समय बरसाना में चल रहा है? अब तो माफी मांग ली है, क्या अब लोगों की नाराजगी कम हुई है प्रदीप मिश्रा के खिलाफ? जी देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो विवादित बयान प्रदीप मिश्रा ने दिया था, उसको लेकर लोगों में आक्रोश था, संतों में आक्रोश होने के साथ साथ अगर हम बात करें तो सारे ब्रजवासियों में आक्रोश था। उसके बाद महापंचायत में ऐलान किया गया था कि अगर प्रदीप मिश्रा 3-4 दिन के अंदर बरसाना अगर माफी नहीं मांगते हैं तो उनका बहिष्कार किया जाएगा, उनका जगह जगह कार्यक्रम का विरोध किया जाएगा। लिहाजा इस संबंध में जो संत थे, महाराज थे, महंत थे, उन्होंने ऐसा चीज को भी ऐलान किया था, और उन्होंने कहा था कि अगर आपने इस मामले में FIR नहीं करी तो जो संत समाज है वो हाईवे जाम करेगा, रेल रोकेगा, और तमाम जिस तरीके से आंदोलन हुआ वो करेगा। ले उसी आंदोलन के तहत जो है, जो आंदोलन की शुरुआत SSP से मिले थे साधु संत, और उसके बाद मालूम पड़ा कि ठीक है। नितिन, एक बार ये विस्तार से बताइए, आराम से बताइए, और कि बरसाना में क्या हुआ है? प्रदीप मिश्रा जो वहां पहुंचे हैं, वहां कौन कौन मौजूद था? साधु संतों में कौन बड़ा चेहरा वहां पर मौजूद था जहां पर पहुंच के उन्होंने माफी मांगी है आज? जी देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि प्रदीप मिश्रा का आज एक प्रोग्राम बना था, आज साधु संतों ने 1 घंटे की SSP से मुलाकात करी थी और इस मामले में FIR करने की मांग करी थी। उसके बाद SSP ने उन सारे जो साधु संत थे, महंत थे, तीर्थ के जो पदाधिकारी थे, उन सबको बरसाना रानी मंदिर भेजा और बताया कि प्रदीप मिश्रा संभवतः आज बरसाना आ सकते हैं, और लिहाजा कुछ ही देर में प्रदीप मिश्रा बरसाना राधा रानी मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने श्री जी जो है उनके सामने ढोक लगाई, राधा रानी के सामने साष्टांग प्रणाम किया और माफी मांगी है। जिस तरीके का जो साधु संतों ने या ब्रजवासियों ने कहा था कि नाक रगड़ कर प्रदीप मिश्रा को माफी मांगनी करेगी, उसी प्रकार से आज प्रदीप मिश्रा राधा रानी मंदिर पहुंचे। जानकारी दे रहे हैं आप विस्तार से, बहुत शुक्रिया आपका नितिन तमाम जानकारी के लिए। और मथुरा पर पहुंचकर, बरसाना पहुंचकर प्रदीप मिश्रा ने क्या कहा, सुनिए। आज आप आए थे राधा रानी के दरबार में, क्या कुछ रहा, क्या कहना चाहिए? राधा रानी का दर्शन किया, बरसाने की पवित्र भूमि को प्रणाम किया, नमन किया, और महारानी जी से माफी मांगी कि हमारे शब्द से कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करिएगा। आज आप आए थे राधा रानी के दरबार में, क्या कुछ रहा, क्या कहना चाहिए? राधा रानी का दर्शन किया, बरसाने की पवित्र भूमि को प्रणाम किया, नमन किया, और महारानी जी से माफी मांगी कि हमारे शब्द से कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करिएगा। आज आप आए थे राधा रानी के दरबार में, क्या कुछ रहा, क्या कहना चाहिए? राधा रानी का दर्शन किया, बरसाने की पवित्र भूमि को प्रणाम किया, नमन किया, और महारानी जी से माफी मांगी कि हमारे शब्द से कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करिएगा। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लालू जी से क्षमा चाहता हूँ। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लालू जी से क्षमा चाहता हूँ।